गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का एक न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुन समझेंगे क्या है कि सबसे पहले इसमें एक आता है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस शुरू करने से पहले इसका कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को पहले हम लोग समझ लें। जैसे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब हो गया कि जिस प्राइस पे कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदा जाता है, कोई भी आर्टिकल खरीदा जाता है, तो उस प्राइस को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसी बुक को अगर हम लोग 300 रुपये में खरीदते हैं, तो जिस प्राइस पे खरीदा गया है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पर उसको हम बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेल मतलब क्या है? बेचना ना, तो इसलिए एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या? जिस प्राइस पर कोई चीज़ को बेचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, इसमें अब एक प्रॉफिट और एक है लॉस। प्रॉफिट को ही गेन कहा जाता है। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा? जब हम लोग मान लीजिए किसी बुक को 300 में खरीदे, 300 में खरीद लिए, तो खरीदे तो सीपी, यहाँ पे सीपी इसको बोलेंगे कितना? 300 रुपया। अब 300 रुपये में खरीदे हो तो प्रॉफिट कब होगा? जब 300 से कम में बेचेंगे या 300 से ज़्यादा में बेचेंगे? खरीदे हैं 300 में, तो 300 में ज़्यादा में बेचेंगे तब ना प्रॉफिट होगा। जितना ज़्यादा में बेचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसका मतलब कि एसपी क्या होना चाहिए? सीपी छोटा होना चाहिए, एसपी बड़ा होना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? गेन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गेन कब होता है। हम लोग बता सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और सीपी कॉस्ट प्राइस कम हो तो उस सिचुएशन में गेन हो ना। इसीलिए गेन का जो फॉर्मूला बन जाता है वो एसपी माइनस सीपी बनता है। ठीक है, और दूसरा ये बात है कि और लॉस कब होता है ना। अगर मान लीजिए कि आप 300 रुपये में खरीदें तो और आप कम में बेच दिए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? लॉस ही होगा ना, क्योंकि ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। 300 से ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, और 300 से कम में बेचेंगे तो लॉस हो गया ना। तो लॉस कब होता है? जब एसपी जो होता है वो कम होता है और सीपी ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में लॉस हो जाता है, और लॉस इज इक्वल टू हो जाता है सीपी माइनस एसपी। क्लियर है। अब इसी में प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज आता है। तो ये तो इससे क्या निकला? प्रॉफिट या गेन ही निकला ना, परसेंटेज तो नहीं निकला है। तो कभी कभी क्वेश्चन में गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट भी पूछता है, तो हमेशा याद रखें कि जो भी गेन परसेंट या लॉस परसेंट होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होगा? सीपी पे। ठीक है, तो इसलिए गेन परसेंट का हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं कि गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन जितना हुआ है उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि परसेंटेज में लाना है, जिसको परसेंटेज में लाना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो गेन को परसेंटेज में लाना है तो गेन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमने बताया कि किस पे गेन निकलता है? गेन परसेंटेज सीपी पे ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सीपी लिखा जाएगा। ये हो गया गेन परसेंट का। उसी प्रकार से लॉस परसेंट का अगर हम लोग लॉस परसेंट का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। क्यों? क्योंकि लॉस परसेंटेज या गेन परसेंट जो होता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में लॉस परसेंट या फिर गेन परसेंट दे दे और सीपी या एसपी हम लोग को फाइंड करना है, तो उसके लिए बुक में फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों को एसपी निकालना होगा तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इंटू सीपी से हम लोग एसपी निकाल सकते हैं, है ना। प्रॉफिट परसेंट पर भी, लॉस परसेंट पर, ये सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखें तो अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बना, मतलब ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला एच और आई। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हालांकि इसको हम लोग अदर, ये फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी अदर तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा। तो उसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे? तो यही फॉर्मूला एच और आई का यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सामान हम लेकर किया है, ठीक है, मान लीजिए कुछ उसमें से नुकसान हो गया, कुछ टूट गया। अब जो टूट गया उसमें भी तो पैसा लगा हुआ है। मान लीजिए कि हम कहीं से बाहर से खरीद करके लाए, कि पेन खरीद कर लाए, ठीक है, मान लीजिए कि 200 हम पेन खरीदे, ठीक है, और प्रत्येक अगर मतलब कि 4 रुपया में दे दिया है तो टोटल तो हो गया 800 रुपया।
अब इसी पेन में से 200 पेन में अगर मान लीजिए कि 5 जो है वो खराब ही निकल गया, तो खराब तो बिकेगा नहीं, खराब तो बिकेगा नहीं। अब बेचना कितना पड़ेगा, 195 ही बेचना पड़ेगा ना। तो अब हमारे लिए 195 का सीपी हो गया कितना, 800 रुपया। लेकिन ये तो 200 का सीपी हो गया कितना, 800 रुपया। अब लेकिन बेचेंगे हम लोग एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, जो बेचेंगे वो कितना बेचेंगे, 195 ही बेचेंगे ना। तो उस सिचुएशन में हमारा एसपी का काम यही करेगा, 195 का जो कॉस्ट होगा वही काम करेगा, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई चीज़ हम सामान लेकर के आए और उसको ढुलवाने में भी खर्च लगा ना, जैसे मान लेते हैं कि हम एक अलमीरा ही लेकर के आए, 8000 रुपये में एक अलमीरा हम ले लिए, अब उसको लाने में 500 रुपया खर्च लगा, ठीक है। अब हम लोग को उसको बेचना है तो कितना में बेचेंगे, तो ताकि प्रॉफिट हो जाए, 500 रुपया प्रॉफिट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें कि हमारे लिए जो सीपी होगा, सीपी का काम ये नहीं करेगा, अब सीपी का काम ये दोनों करेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी रूप में हो, चाहे उसको ढुलाई खर्चा हो या फिर उसको मरम्मत कराने में खर्च हो, किसी प्रकार का जो ओवर एक्सपेंशन होता है वो सीपी में ही ऐड होता है, और उस सिचुएशन में वो टोटल हमारा सीपी जो निकलता है वो सीपी का काम करेगा, ठीक ना। अब पहले वाला सीपी ये इसको हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। कब, जब ओवर एक्सपेंशन होता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा खर्च लगता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ फॉर्मूलाज थे और कुछ ऐसे टर्म थे जिसको जानना बहुत ही जरूरी था। और नेक्स्ट हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 2 भी, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में है सीपी दे चुका है, एसपी दे चुका है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो अगर सीपी और एसपी मालूम है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी से, और फिर प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो गेन इनटू 100 अपॉन सीपी से निकाल सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से समझेंगे।